स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट विच इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। एंड दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस यूनिट इज कैरिंग टोटल 18 मार्क्स। एंड इस यूनिट में टोटल 3 चैप्टर्स हैं। आज हम अपना पहला चैप्टर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एंड दिस चैप्टर इज कैरिंग टोटल 5 मार्क्स। इस चैप्टर में से दो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। वन विल बी ऑफ 2 मार्क्स एंड अदर विल बी ऑफ 3 मार्क्स। तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज जेनेटिक्स। वी ऑल नो दैट बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड दिस बायोलॉजी इज हैविंग टू ब्रॉड ब्रांचेस, वन इज बॉटनी एंड जूलॉजी। बट नाउ दिस बायोलॉजी इट हैज डाइवर्सिफाइड इटसेल्फ। इसकी अब बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें से एक ब्रांच है जेनेटिक्स। नाउ व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो किससे डील करती है? हेरिडिटी और वेरिएशंस। अब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हमारे अंदर कई कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से आए हैं, हमारे पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर्स उनके पेरेंट्स से आए हैं। तो ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। सेकेंड, वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या है? डिफरेंसेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज। हम सभी एक ही स्पीशीज है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बट हम सबकी शक्लें देखें कितनी आपस में डिसिमिलर है, हमारा नेचर बिहेवियर कितना अलग अलग है। तो ये जो हमारे अंदर डिफरेंसेस है, दीज आर नोन एज वेरिएशंस। इवन ब्रदर और सिस्टर में भी आपस में क्या है? डिफरेंसेस है। सो दीज आर नोन एज वेरिएशंस। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। नाउ दिस वर्ड जेनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम Greek word genesis, which means to grow into, and the term genetics is coined by Batson in the year 1905. ठीक है, term genetics जो है वो किसने coin किया है? Batson। अब इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडेलियन इनहेरिटेंस ये जो टर्म है वो आया है एक साइंटिस्ट से, हुज नेम वाज मेंडल। पूरा नाम ग्रिगोर जोहान मेंडल। वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। व्हाई? बिकॉज मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो अगर तुमसे कोई पूछे हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, Gregor Johann Mendel is the father of genetics. So now we will discuss the life history of Mendel. Mendel was born in the year 1822 in a small poor peasant family of Moravia. He was a very brilliant student. He got his early education from school. At the age of 21, he joined an Augustinian monastery at St. Thomas Brunn. There, at the age of 25, he was made a priest. Mendel ki proper education jo thi, that started in the year 1851. When Mendel went to the University of Vienna, and there he studied two major subjects, botany and physics. After attaining the education, he returned back to Brunn, and he was attracted towards garden pea plants, which was growing in his garden. And what is the scientific name of that garden pea? Picum sativum. Picum sativum is the scientific name of garden pea, जिसपे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्लांट ऑफ मेंडल। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो नियरली 10 इयर्स के लिए किए,
from 56 to 65. And what type of experiments? Hybridization experiments. He used to cross two different types of pea plants. After doing his experiments in the year 1866, he published all his findings in the fourth edition of a local journal, Annual Proceedings of Natural History Society of Broome. कई बारी ये question आ जाता है, name the journal in which Mendel work was initially published. So that is Annual Proceedings of Natural History Society of Broome. This garden pea is having total 14 chromosomes. ये तुमने याद रखना है, 2n equal to 14. तो haploid number क्या है इसका? N equal to 7. And in the year 1884, Mendel died of some kidney disorder. देखो, हमने पूरी life history mention कर ली और कहीं पे नहीं आया कि what was the importance of Mendel. Even till death, Mendel was not knowing this, that one day he will be known as the father of genetics. After 17 years of his death, three scientists came and they rediscovered Mendel's law. ये तीन scientists आए और उन्होंने Mendel के work को दोबारा study किया और उसे दोबारा publish किया. But वो जो उनकी publish थी, they published it in a very famous magazine of world, that is Flora. अब वो तीन scientists कौन थे? Hugo de Vries of Holland, Erich von Teschenmann of Austria, and third Karl Korenz of Germany. तो कई बार ये भी question आया था, name the scientist who rediscovered Mendel's law. Hugo de Vries, Erich von Teschenmann and Karl Korenz. These three scientists, they rediscovered Mendel's law, they republished it in a famous magazine, Flora. इस तरीके से Mendel का काम जो था वो दुनिया के सामने आया. जब Mendel survive कर रहा था, he was not knowing this, that what he is doing, कितना important काम कर रहा है. Mendel ने laws दिए inheritance के, but he was not knowing this, that one day he will be known as the father of genetics. After his death, rediscovery occurs, and after the rediscovery, he was started knowing as the father of genetics. Now, what were the reasons why Mendel's work was not appreciated during his lifetime? कई बार ये भी question आ जाता है. What were the reasons why Mendel's work was not appreciated during his lifetime? So what is the first reason? Work ahead of time. क्या मतलब है? उसका काम जो था, वो किसपे काम कर रहा था? He was actually working on what? He was actually working on genes. In the year 1856, he was working on genes. Actually, these genes, they were discovered in the year 1904. So, his work was quite ahead of time. वो कुछ ऐसी चीज के ऊपर काम कर रहा था जो लोगों को समझ नहीं आ रहा था. And this was the reason why his work was not appreciated. Second, published his finding in a journal of limited circulation. उसने अपने सारे जो results थे experiments के वो एक local magazine में publish हो रहे थे, तो पूरी दुनिया के पास नहीं वो पहुंच सके. So this was the second reason. Third reason, he was himself not sure of his findings. उसे ये नहीं पता था कि जो वो कर रहा है वो ठीक है, whether it is correct or it's incorrect. तो this was the third reason. Fourth reason, he was very innocent person. He lacked aggressiveness in his personality. वो किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहा था. अगर किसी ने उसको गलत कह दिया तो हाँ मैं गलत हूँ, तो उसके अंदर कन्विंसिंग पावर नहीं थी, aggressiveness नहीं था for stating that what he is saying is right. So this was the fourth reason. Fifth reason, very important reason. जिस time Mendel जेनेटिक्स पे काम कर रहा था, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पे काम कर रहा था, उसी टाइम पे वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, फेमस नेम, ही वाज वर्किंग ऑन इवोल्यूशन, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दैट टाइम, एंड ऑल द साइंटिस्ट दे वर पेइंग अटेंशंस टुवर्ड डार्विन. नो वन वाज बॉदर्ड अबाउट मेंडल.
So this was the another reason why his work was not appreciated during his lifetime. Last reason was that कि जो mathematical calculations वो कर रहा था laws of inheritance को explain करने के लिए, they were very new. Actually they were very difficult. वहाँ उस time scientist को कुछ समझ नहीं आ रहा था what he was doing. So these were the reasons that why Mendel work was not appreciated during his lifetime. तो बच्चों आज इतना ही, कल हम करेंगे कि what was the Mendel's experimental plant and why he selected this particular plant for his experiment, what was his experimental techniques. Till then, thank you.